hello learners welcome to in accountancy at the senior secondary level and the topic for the day is accounting for business transactions and i am anshul karbanda to, here to discuss with you on this topic so learners whenever you go to a nearby shop you must have seen that the shopkeeper is uh, talking to the assistant or advising or telling him many things तो आप जब भी, भी किसी आसपास की दुकान पर जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जो भी शॉपकीपर होता है वो जहाँ पे उसके पास में जो भी कस्टमर आए होते हैं उनसे उनके साथ में डील कर रहे होते हैं उनको सामान दे रहे होते हैं उनसे पैसे ले रहे होते हैं या फिर आ, कई बार टेलीफोन या फिर आ, रेंट का पेमेंट कर रहे होते हैं उसके साथ साथ कई बार आपने देखा होगा कि वो आ, कुछ और चीज़ें भी करते हैं जैसे कि आपने जो असिस्टेंट्स हैं मे भी उनको ऑर्डर कर रहे हों कि डिलीवरी जाकर कर आएँ जो भी लोगों के घर सामान जाना है वो डिलीवरी पहुंचा के आएं तो आप देखते हैं कि जो भी शॉपकीपर या बिज़नेसमैन हैं आपके आसपास वो वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं लेकिन इनमें जो भी एक्टिविटीज़ हैं ज़रूरी नहीं है कि सब में कैश ट्रांज़ेक्शन इन्वॉल्व हों तो जो ट्रांजेक्शन्स जिसमें कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हैं उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं और बाकी के जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनको उनको जो है हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो आज के uh, इस uh, जो श्रृंखला है उसमें हम यही जानेंगे कि अकाउंटिंग फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम किस तरह से करते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं क्या मैकेनिज्म है जो बेसिक मैकेनिज्म है इसके लिए जो फॉलो किया जाता है उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे तो आज के बारे में हम बिजनेस ट्रांजेक्शन जैसा कि कहा बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है उसके बारे में जानेंगे जो अकाउंटिंग वाउचर्स हैं उनको कैसे बनाया जाता है क्या उसको बनाने का परफॉर्मा होता है उसके बारे में जानेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में जानेंगे जो कि अकाउंटिंग में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है तो अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या मतलब है उसके बारे में जानेंगे उसके बाद में जो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है जब भी, भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं तो वो जो रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग में रूल्स ऑफ अकाउंटिंग उनके बारे में जानेंगे उसके साथ साथ बेसिक्स ऑफ जो अकाउंटिंग है कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम ध्यान में रखते हैं अकाउंटिंग करते वक्त उनके बारे में जानेंगे और जर्नलाइजिंग के बारे में भी जानेंगे तो आइए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस है वो शुरू कैसे होता है तो जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस है उसकी Uh, जो शुरुआत होती है जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके उनके ओरिजिन के साथ में अकाउंटिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है और उस जब एक बार हम जो ओरिजिन है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का वो हो जाता है तो उसके बाद में उस ट्रांजेक्शन को हम एनालाइज करते हैं तो जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस है इट बिगिन विद द ओरिजिन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय द एनालिसिस ऑफ सच ट्रांजेक्शन्स मूविंग फर्दर वट आर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स सो नाउ यू मस्ट नो दैट वॉट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन और वॉट डू यू मीन बाई अ बिजनेस ट्रांजेक्शन सो जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो मतलब है सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलें तो लेन देन होना तो बिजनेस ट्रांजेक्शन वॉट डज इट इन्वॉल्व इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज बिटवीन द टू पार्टीज एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व डेबिट एस्पेक्ट एंड अ क्रेडिट अकाउंट सो द डेबिट एस्पेक्ट इट इज़ इट रिप्रेजेंट द टेक एस्पेक्ट एंड वाइल द क्रेडिट साइड इट रिप्रेजेंट्स द गिव एस्पेक्ट जैसे कि अगर आपने अपने कंप्यूटर्स अगर परचेज करें हैं अपने ऑफिस के लिए अगर आपने कंप्यूटर्स का परचेज किया है तो जो कंप्यूटर्स आपने परचेज़ किए उसकी जो डिलीवरी होगी वो जो है टेक एस्पेक्ट होगा और उसके बाद जो उसका जो कैश पेमेंट होगा वो जो है वो गिव एस्पेक्ट होगा तो आगे बढ़ते हुए हम ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है नेक्स्ट कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं जब हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हम परफॉर्म करते हैं जो भी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसके लिए हम एंट्री करते हैं वो किन्हीं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पे बेस्ड होते हैं कुछ ना कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एज एविडेंस सर्व करते हैं जिनके ऊपर जो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं वो बेस्ड होते हैं तो इफ़ वी टॉक अबाउट सोर्स डॉक्यूमेंट्स सो दीज आर द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसिस एंड अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इज नोन एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट सो सोर्स डॉक्यूमेंट इफ यू टॉक मोर अबाउट सोर्स डॉक्यूमेंट अगर कोई कैश सेल होती है तो उसके लिए हम कैश मेमो देते हैं या फिर जब सेल होती है गुड्स की क्रेडिट सेल होती है तो उसके लिए इन्वॉइस होता है और अगर कुछ होती है अगर कोई रिसीट हुई है पे पेई ने कुछ रिसीट दिया अगेंस्ट कैश पेमेंट तो उसके लिए भी एक रिसीट जो है वो इशू की जाती है तो ये सब जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको ये एज़ एविडेंस जो हैं आपके बिज़नेस ट्रांजैक्शंस के लिए सर्व करते हैं उसके बाद में आ, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनका कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होता है जैसे कि छोटे मोटे खर्चे हैं जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं पेटी एक्सपेंसेस हैं इनका कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो नहीं होता है इसलिए इनके लिए क्या किया जाता है एक वाउचर बनाया जाता है जिसमें जो सारी नेसेसरी डिटेल्स हैं उनको उसमें दर्शाया जाता है तो सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स उनको एक सेपरेट फ़ाइल में मेंटेन किया जाता है जिसमें उनको सीरियली नंबर किया जाता है और ये जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब डेट वाइज इनको सीरियल नंबर में मेंटेन किया जाता है तो इसके बाद आगे चलते हुए सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एज़ प्राइमरी एविडेंस सर्व करते हैं इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन किसी भी कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए अगर हमें एविडेंस देना है तो सोर्स सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो हमारे यही प्राइमरी एविडेंस होता है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड है जो हम बनाते हैं किसी ट्रांजेक्शन के लिए और इसी के बेसिस पे हम फर्दर रिकॉर्डिंग करते हैं उसके अलावा जैसे दिया भी हुआ कि बेसिस इट इज सर्व एज अ बेसिस फॉर एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट So, because it why it serves as a basis of entries because it is a first record that is prepared for a business transaction and also it serves as a primary evidence. Then, next is voucher. What is a voucher? Voucher is a documentary evidence in support of a transaction. तो जिस तरह से हमने जाना कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो वाउचर भी एक जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जो एक ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में होता है तो वाउचर जो है कितने टाइप्स के होते हैं वाउचर जो है वो ट्रांजैक्शन वाउचर होता है और अकाउंटिंग वाउचर होता है अब जो ट्रांजैक्शन वाउचर है वो क्या है ट्रांजैक्शन Trans वाउचर

इसके बाद ये आप जो देख सकते हैं स्क्रीन पे ये एक स्पेसिमेन है एक सैम्पल है ट्रांजैक्शन वाउचर का और ये जो ट्रांजैक्शन वाउचर है इसमें आप देख सकते हैं कि आप जो है सबसे पहले यहाँ पे जो है आपका ट्रांजैक्शन वाउचर दिया हुआ है कि एक ट्रांजैक्शन वाउचर है इस जगह पे आप अपने फर्म का नाम लिखेंगे जो भी आपकी फ़र्म का नाम है वो यहाँ मेंशन करेंगे यहाँ पे जो वाउचर नंबर है वो देंगे जो डेट है ट्रांजैक्शन की वो यहाँ पर मेंशन की जाएगी यहाँ पर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट और कितना टोटल अमाउंट है वो लिखा जाएगा और यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे नरेशन मतलब क्या होता है कि जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है इस ट्रांजैक्शन uh, का जो भी इसका ब्रीफ uh, है कि ये ट्रांजैक्शन क्या है और क्यों हुआ है इसके बारे में आप यहाँ नरेशन में मेंशन करते हैं उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑथोराइज बाय लिखा है और यहाँ पे प्रिपेर्ड बाय लिखा है सो द दिस ट्रांजेक्शन वाउचर इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंटेंट एंड विच इज़ साइंड बाय एन ऑथोराइज सिग्नेटरी तो अकाउंटेंट जो है इसको प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे सिग्नेचर्स करेंगे और एक ऑथोराइज सिग्नेटरी से ये साइंस होता है देन नेक्स्ट कम्स अकाउंटिंग वाउचर्स सो वॉट आर अकाउंटिंग यू टॉक अपज आर रिटन डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन द एनालिस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग पर्पेस तो अकाउंटिंग वाउचर्स रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें एनालिसिस होता है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनका एनालिसिस होता है जिसके हिसाब से हम अकाउंटिंग करते हैं और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं नेक्स्ट वी सी दैट देर आर सम फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स लाइक अकाउंटिंग वाउचर इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट इट कंटेन्स द एनालिस ऑफ अ ट्रांजेक्शन उसमें हम एनालिसिस करते हैं कि क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है देन इट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन जो इसको जो भी ट्रांजेक्शन का जो एविडेंस होता है उसके बेसिस पे ही हम इसको प्रिपेयर करते हैं उसके बाद जो है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट जैसे कि मैंने अभी आपको परफॉर्मर में भी बताया था दैट इट इज प्रिपेयर बाय अकाउंटेंट एंड इट इज काउंटर साइंस By an authorized signatory. Next comes types of accounting vouchers. So you can see that there are mainly two types of accounting vouchers the cash voucher and the non cash voucher. The cash voucher is again of two types the debit voucher and the credit voucher, and the non cash voucher is a transfer voucher. then first we will discuss about debit vouchers what are debit vouchers so debit vouchers are prepared for recording transactions involving cash payments only तो so, ये खाली cash payments जो हमने की हैं उसको जो भी business ने की हैं उसको record करने के लिए इसको prepare किया जाता है जब हम cash payment की बात करते हैं तो cash payment में Uh, दो एस्पेक्ट होते हैं हर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसके दो एस्पेक्ट होंगे एक डेबिट एस्पेक्ट होगा और दूसरा क्रेडिट एस्पेक्ट होगा तो जब हम यहाँ पे भी कैश पेमेंट की बात कर रहे हैं तो दो एस्पेक्ट उसमें हैं तो पहला एस्पेक्ट तो क्योंकि वो कैश पेमेंट है तो वो कैश है और जो दूसरा एस्पेक्ट है यहाँ पर वो वो पार्टी हो सकती है जिसको हमने पेमेंट की है और एक्सपेंस और आइटम ऑफ प्रॉपर्टी फॉर विच द पेमेंट इज मेड सो इट कैन बी ईदर ऑफ देम then moving next, this is the specimen of a debit voucher. so here again you can see that it is uh, uh, like on top you will write the firm's name. firm के नाम के नीचे आप debit voucher है, उसका title आपने दिया है, फिर voucher number आप लिखेंगे, debit account, जिस account को आपने debit किया है, वो आप यहां पर mention करेंगे फिर यहाँ पर आप अमाउंट लिखेंगे और डेट मेंशन करेंगे उसके बाद जो क्रेडिट अकाउंट है इसके यहाँ पे जो भी क्रेडिट आइटम्स हैं जो आपने क्रेडिट किए हैं वो आइटम्स आप यहाँ पर लिखेंगे अकाउंट का नाम मेंशन करेंगे जो अमाउंट है वो मेंशन करेंगे और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे जो कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है उसके बारे में अगेन इट इज़ प्रिपेयर बाय एन अकाउंटेंट एंड साइंड बाय एन ऑथोराइज सिग्नेटरी So here we see one question that on January 21, 2021, Messrs Jindal Chemicals paid rupees fifty thousand in cash and balance amount of rupees one lakh fifty thousand by banker's cheque to HP Chemicals. Now here we have to prepare a debit voucher. So we see that Messrs Jindal Chemicals paid rupees fifty thousand. Moving next. तो जिंदल केमिकल्स हमने ऊपर लिखा फॉर्म का हमारी नाम उसके बाद जो डेबिट वाउचर है वो हेडिंग रहेगी वाउचर नंबर हमने लिखा डेबिट अकाउंट जिस अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे जो कि यहाँ पर है एच केमिकल्स और अमाउंट जो है इसका टोटल टू लाख रुपीज़ है और डेट हमने मेंशन करी ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन अब यहाँ क्रेडिट किस 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 को किया गया है तो फिफ्टी थाउजेंड रुपीस कैश को क्रेडिट किया गया है और वन लाख फिफ्टी थाउजेंड जो है वो बैंक को क्रेडिट किया गया है क्यों किया गया है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिफ्टी थाउजेंड इन कैश एंड बैलेंस अमाउंट ऑफ वन लाख फिफ्टी थाउजेंड बाई बैंकर्स चेक सो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड वी हैव क्रेडिटेड टू बैंक एंड फिफ्टी थाउजेंड टू कैश सो दैट्स वाई यू सी द अमाउंट हियर एंड नरेशन जो है जो डिस्क्रिप्शन है एंट्री का मतलब कि Paid part payment in cash and balance by bank. Again, it will be prepared by an accountant and signed by an authorized signatory. Now, next we move on to credit vouchers. So, credit vouchers are prepared for recording transactions that involve cash receipts only. तो आपने जब डेबिट वाउचर्स की बात करी तो आपने कैश पेमेंट्स की बात करी थी उसमें लेकिन जब आप यहाँ पर क्रेडिट वाउचर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कैश रिसीट्स की बात कर रहे हैं और व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ कैश रिसीट्स अगेन वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इज़ कैश एंड द अदर एस्पेक्ट इज द पार्टी फ्रॉम होम द कैश इज रिसीव्ड और द रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ विच कैश इज रिसीव तो इन दोनों में से कोई भी जो है वो दूसरा एस्पेक्ट Ho sakta hai. Moving next, we see the specimen of a credit voucher. Again, it is uh, very much uh, similar. So, we see that we first write the firm's name and then uh, the voucher number is there. Then, you have to write the debit account amount, the credit account, and date. And you see a similar performer. Then, moving next, यू अगेन हैव अ एक्जाम्पल रुपीज़ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ऑफिस फर्नीचर इज़ परचेस्ड फ्राम मॉडर्न फर्नीचर ऑन जनवरी फोर ट्वेंटी ट्वेंटी एंड रुपीज़ फिफ्टीन थाउजेंड आर पेड बाई कैश इमिडिएटली एंड टेन थाउजेंड आर स्टिल पेबल तो आपको जो है टोटल पच्चीस हज़ार का आपने ऑफिस फर्नीचर परचेज़ किया है मॉडर्न फर्नीचर से जनवरी फोर को और uh, 2020 को और 15,000 जो है उसमें से आपने कैश इमीडिएटली पे कर दिया है बट 10,000 जो है इट इज स्टिल पेएबल अभी पेएबल पे pay करना है इसके लिए आपको यहाँ पर क्रेडिट वाउचर बनाना है तो आइए देखते हैं सो वेन वी प्रिपेयर अ क्रेडिट वाउचर यू सी दैट ऊपर आप फर्म का नाम लिखेंगे जो कि यहाँ पे मॉडर्न फर्नीचर है देन यू विल पुट द वाउचर नंबर दै द डेबिट अकाउंट किस अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हैं यर इन केस ऑफ दिस फर्नीचर अकाउंट देन अमाउंट सो अमाउंट इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एंड डेट इज जेनवरी फोर ट्वेंटी ट्वेंटी सो नाउ यू विल राइट द क्रेडिट अकाउंट सो क्रेडिट क्योंकि टेन थाउ फिफ्टीन थाउजेंड तो इमिडिएटली कैश में पे कर दिया था तो कैश इसे यहाँ पर फिफ्टीन थाउजेंड है और रिमेनिंग जो बैलेंस है दैट इज टेन थाउजेंड सो मॉडर्न फर्नीचर को वहाँ पे आपने क्रेडिट किया है टेन थाउजेंड से और नरेशन में क्या लिखा है आपने किस तरह से इसको डिस्क्राइब किया है कि परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हमने मॉडर्न uh, फर्नीचर से परचेज किया जिसमें इसकी कि हमने कैश पे कर दिया है फिफ्टीन थाउजेंड एंड फॉर बैलेंस लाइबिलिटी इज क्रिएटेड एज पर टर्म्स ऑफ परचेज सो बैलेंस अमाउंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है नेक्स्ट देन दिस रिमेन्स द सेम द प्रिपेयर बाय एंड ऑथराइज बाय देन नेक्स्ट मूविंग टू द ट्रांसफर वाउचर विच इज प्रिपेयर फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन तो हमने कैश ट्रांजेक्शंस के बारे में जाना कि डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर बनाया जाता है कैश पेमेंट्स के लिए हम डेबिट वाउचर uh, हमने बनाया और रिसीट्स के लिए डेबिट क्रेडिट वाउचर बनाया तो उसी तरह से जो ट्रांसफर वाउचर हम बनाते हैं इट इज़ प्रिपेयर टू रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस सो द क्रेडिट परचेजेस जैसे कि क्रेडिट परचेजेस हैं क्रेडिट सेल्स हैं बैड डेट्स हैं रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट या फिर डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स हैं तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनके लिए हम जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हैं वो हम को रिकॉर्ड करने के लिए हम ट्रांसफर वाउचर्स बनाते हैं सो दिस इज अ असिमिन ऑफ अ ट्रांजेक्शन वाउचर विच इज़ वेरी मच सिमिलर यू हैव टू नोटिस लाइक फर्स्ट यू विल राइट द फर्स्ट नेम और फर्म्स नेम देन द ट्रांसफर वाउचर हेडिंग इज देअर द टाइटल उसके बाद वाउचर नंबर आप लिखेंगे और वाउचर नंबर के बाद जो डेबिट अमाउंट अकाउंट है उसको मेंशन करेंगे उसके बाद उस अमाउंट लिखेंगे डेट मेंशन करेंगे और फिर जो आपका डेबिट अकाउंट है उसको मेंशन करेंगे जो भी डिटेल्स वहाँ पर दी होंगी आगे हम इलेट्रेशन में देखेंगे तो उस हिसाब से हम इसको मैंशन करेंगे एंड देन देर विल बी अ क्रेडिट अकाउंट Uh, which will have also a serial number, account name, amount, and narration. And again, it will be um, signed by, uh, it will be prepared by an accountant and signed by authorized signatory. So this is an example that we will uh, try to do with regard to transfer voucher. So stationary mart furnishes the following information on april 1st 2019 so now here you can see that these are some of the opening balances are the opening balances hain cash ka opening balance 13000 hai bank 5000 hai furniture 22000 trade debtors 14000 then uh, it is secured bank loans 70000 trade creditors 24000 and capital 120000 so let's see how we prepare ट्रांसफर वाउचर सो वी विल फर्स्ट राइट द नेम ऑफ द फर्म दैट इज द स्टेशनरी मार्ट देन द टाइटल ट्रांसफर वाउचर देन वी हैव नॉट रिटर्न एनी वाउचर नंबर हियर बट वी कैन इफ इट इज मैं इन द क्वेश्चन देन यू कैन राइट द क्वेश्चन नंबर नंबर इफ नॉट मैं यू कैन राइट अ इमेजनरी फिगर और यू मे ऑल्सो लीव इट ब्लैंक इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन आपको अमाउंट लिखना है उसके बाद में और डेट जो है वो मेंशन करनी है राइट हैंड साइड पे उसके बाद आपने डेबिट अकाउंट लिखा है तो जो भी जिसके भी डेबिट बैलेंसेस हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन किया है जैसे कि कैश है कैश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो आपने कैश लिखा बैंक लिखा फर्नीचर और ट्रेड डेटर्स क्योंकि ये सभी जो है ये हमारे एसेट्स हैं तो इसको हमने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस को डेबिट में डेबिट अकाउंट में दिखाया है जो भी इनका अमाउंट हमने प्रीवियस स्लाइड में क्वेश्चन में देखे थे थर्टीन थाउजेंड बैंक फाइव थाउजेंड फर्नीचर ट्वेंटी टू एंड ट्रेड डेटर्स फोर्टीन थाउजेंड नाउ रेस्ट ऑफ दीज विल हैव क्रेडिट बैलेंसेस लेट सी हाउ सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड सो दिस नाउ हियर यू कैन सी दैट सम क्रेडिट बैलेंसेस फर्स्ट इज सिक्योर्ड बैंक लोन That is 70,000, and uh, then you have trade creditors, which is 24,000, and then capital that is 1,20,000, which uh, is the opening balance but it has credit balances. So, moving further, next is accounting equation. So, whenever you are doing accounting, before you uh, jump on to the actual accounting, यू मस्ट नो वॉट इज़ एन अकाउंटिंग इक्वेशन तो जैसा कि हम बात करते आए हैं अभी तक कि हर एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो होता है उसमें जो है डेबिट और क्रेडिट होता है हर एक डेबिट के लिए कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है तो इसी जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बेस्ड है तो जो रिकॉर्डिंग होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन की बुक्स ऑफ अकाउंट में वो इस फंडामेंटल इक्वेशन जिसकी हम बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन जिसको हम कहते हैं उस पर बेस्ड है जो ये कहती है कि जो असेट्स हैं दे आर ऑलवेज इक्वल टू द लाइबिलिटीज सो इन मैथमेटिकल फॉर्म वी एक्सप्रेस द अकाउंटिंग इक्वेशन इन दिस वे लाइक असेट्स आर वॉट वी से आर इक्विटी सो वेन वी सेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी

तो इट इज़ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल क्योंकि uh, जो ओनर्स इक्विटी है वो इनसाइड uh, लाइबिलिटीज भी होंगी और आउटसाइड भी लाइबिलिटीज़ भी होंगी तो जो बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ होती हैं टुवर्ड्स द जो भी लाइबिलिटीज होती हैं बिज़नेस uh, की टुवर्ड्स द ओनर वो जो है हम एज कैपिटल मेंशन करते हैं और जो बाहर वालों के प्रति जो बिजनेस की लाइबिलिटीज होती हैं उसको हम अंडर लाइबिलिटीज मेंशन करते हैं सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से इन दिस स्लाइड मूविंग नेक्स्ट नाउ हियर यू हैव एन एग्जांपल ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश थ्री लाख रुपीज एज कैपिटल तो अगर हम इसमें देखें कि उस एक्स ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और बिजनेस जो स्टार्ट किया वो आ, उसमें वो कैश लेके आए थ्री लाख रुपीस कैश लेके आए एज कैपिटल तो बिजनेस में क्या आया कैश आया और कैपिटल भी आया तो दोनों ही चीज़ों में बढ़ोतरी हुई कैश में भी बढ़ोतरी हुई और कैपिटल में भी आपकी बढ़ोतरी हुई है तो इसलिए जो कैश है बिज़नेस में जो आया है वो थ्री लाख रुपीस आया है और कैपिटल भी आपका थ्री लाख रुपीस हो गया है इसके बाद में जो है फर्नीचर परचेज़ किया गया और जो फर्नीचर परचेज़ किया गया वो फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ का फर्नीचर परचेज़ किया गया और कैश जो आपका यहाँ पे था अब आपने कैश में से ही जाहिर सी बात है फर्नीचर परचेज करेंगे तो फोर्टी थाउजेंड रुपीज का आपने का फर्नीचर परचेज किया है तो कैश अब आपके पास फोर्टी थाउजेंड कम हो गया मतलब कि अब कैश कितना हो गया दो लाख साठ हजार हो गया यहाँ थ्री लाख था इसमें से आपने फोर्टी थाउजेंड रुपीज माइनस करेंगे तो यहाँ आपका टू लाख सिक्सटी थाउजेंड कैश बचा और फोर्टी थाउजेंड आपने एज यहाँ पर फर्नीचर दिखाया है क्योंकि आपने फर्नीचर परचेज किया है यहाँ आपको दिया हुआ है सो दैट मीन्स योर टोटल एसेट रिमेन्स एसेट साइड रिमेन्स द सेम बट योर आइटम्स नाउ द कैश इज रिड्यूस बाय फोर्टी थाउजेंड एंड दिस फर्नीचर इज एडिड बाई रुपीज फोर्टी थाउजेंड एंड द कैपिटल स्टिल रिमेन्स सो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो हम देख रहे हैं कि वो अभी भी सेम है पहले भी वो थ्री लाख था और अभी भी दोनों साइड पर वो 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 थ्री लाख है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू